हालेलुया, स्वागत है आप सबका मेरी भविष्यवाणियों की पुस्तक में। तो आइए हम आज के पवित्र वचन को पढ़ेंगे जो कि परमेश्वर के दास प्रेरित अंकुर यूसुफ नरुला जी के द्वारा लिखा गया है। जीत प्राप्त कैसे करें, जैसा कि इफिसियों की पुस्तक अध्याय 6 उसकी 17 आयत में लिखा है, उद्धार का टोप और आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है ले लो। मेरे प्रियो, बाइबल में लिखा है कि शाऊल ने परमेश्वर के वचन को शमूएल के द्वारा सुना था, इसीलिए वह आशीषित हुआ और राजा बनाया गया और ऊंचा किया गया। लेकिन एक समय ऐसा आया जब उसने अपने आशीष के सोते को नहीं पहचाना। उसने परमेश्वर के दास शमूएल की बातों को अनदेखा करना शुरू कर दिया और इसीलिए बाइबल में लिखा है कि शाऊल से उसका राज्य वापस ले लिया गया। मेरे प्रियो, हम देखते हैं कि जब शाऊल परमेश्वर की आत्मा से नहीं चला और उसने परमेश्वर के हुक्मों को नहीं माना, तो परमेश्वर का आत्मा जो उसके ऊपर था उससे चला गया और उसके बाद उसको परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई नहीं हुई। फिर उसको कुछ भी पता नहीं चलता था कि मैं लड़ाई के लिए किस दिशा में जाऊँ और कैसे युद्ध में जीत प्राप्त करूँ। अब शाऊल के पास परमेश्वर का आत्मा नहीं था, वचन नहीं था, जिसके कारण वो अपनी जिंदगी में हारता जा रहा था और अपने दुश्मनों के सामने शर्मिंदा हो रहा था, क्योंकि उसने परमेश्वर के कामों को नहीं किया और परमेश्वर के भय में नहीं रहा। अगर हम दाऊद को देखें तो वो परमेश्वर का भय मानने वाला और परमेश्वर के वचनों पर चलने वाला व्यक्ति था। हम देखते हैं कि परमेश्वर ने उसके सभी भाइयों में से उसको चुना और उसका अभिषेक किया। परमेश्वर ने शाऊल से राज्य को लेकर दाऊद को दे दिया और दाऊद को ऊंचा किया। बाइबल में लिखा है कि जब भी दाऊद लड़ाई को लड़ता था तो परमेश्वर का आत्मा उसको बताता था कि तुझे कैसे लड़ना है। परमेश्वर हर एक लड़ाई में दाऊद की अलग अलग रीति से अगुवाई करता था, इसीलिए वो 66 लड़ाइयां लड़ा और सारी लड़ाइयां जीता। आज कुछ लोग अपनी जिंदगी में जीत को तो चाहते हैं, लेकिन उस जीत को प्राप्त करने के लिए काम नहीं करना चाहते। क्या आपको लगता है कि आप व्यभिचार करेंगे, झूठ बोलेंगे, एक दूसरे पर दोष लगाएंगे और फिर परमेश्वर आपकी अगुवाई करेगा? ऐसा नहीं हो सकता। आज लोग अपने कामों में इसीलिए फलवंत नहीं है क्योंकि उनका ध्यान उस काम की ओर नहीं है। वो सोचते तो कुछ और है लेकिन काम कुछ और करते हैं। उनके अंदर परमेश्वर का थोड़ा सा भी भय नहीं है, इसीलिए जब शैतान उनके ऊपर अटैक करता है तो वो उस लड़ाई में हार जाते हैं। इसीलिए मेरे प्रियो, अगर आप भी चाहते हैं कि परमेश्वर आपकी अगुवाई करे तो आपको परमेश्वर का भय मानना पड़ेगा। जब आप परमेश्वर का भय मानेंगे तो परमेश्वर आपको कभी भी शर्मिंदा नहीं होने देगा और तब आपका सब कुछ फलवंत होगा और आप आत्मा में और शरीर में जीत प्राप्त करेंगे। आमीन। आइए इस अंगीकार को आप मेरे साथ एक मन होकर करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस वचन के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। परमेश्वर, मैं अंगीकार करता हूँ कि मैं आपके वचनों पर चलूंगा और आपका भय मानूंगा ताकि मैं अपनी जिंदगी में जीत को प्राप्त कर सकूं। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन। परमेश्वर आप सबको आज के वचन के ऊपर मनन करने के द्वारा आशीषित करें। आमीन।